सबके मन में आने वाले पर्यूषण में, दस लक्षण पर्व में एक विकल्प सबको ही होगा, क्या करें क्या नहीं करें, उपवास करें तो 8 दिन का उपवास कर लें कि 10 दिन का कर लें कि 2 दिन का कर लें, एक को तो कर ही लेंगे, चलो कच्ची वही एक को तो खींच ही लेंगे, ऐसा एक द्वंद्व रहता है अंदर, द्वंद्व रहता है कर लें नहीं कर लें, हरी रखें नहीं रखें, कहा पतो बीमार हो गए तो पित्त भड़क गए तो अब जे हैं निश्चिंत होने के लिए इतने प्रश्नों के जो सवाल खोजो, उत्तर खोजो इनके, जे नहीं ओ, अब जो ये सो देख ही जाए जे अनद बसा है, हम तो ये जो मिले सो खा लेंगे, जे अनद बसा है इसमें कोई फल नहीं होगा, ये तो ऐसी बात हो गई, कहे तो स्टेशन जा रहे कि हो अभी कौन सी ट्रेन आ रही, कोई ना कोई तो आएगी इसका मतलब ये निकला तुम पता नहीं कहाँ जा रहे, तुम्हें ही नहीं मालूम तुम जा कहाँ रहे हो कोई ना कोई ट्रेन का मतलब ये होता है जो मिलेगा सो खा लेंगे और जैसे भाव होंगे तो कर लेंगे, भाई हम प्रतिज्ञा नहीं ले रहे टूट टाट जा, ये तो टूटती तो इसलिए कि तू निर्द्वंद नहीं है, पॉइंट पकड़ में आ रहे, मान इसी में से वो अर्थ निकाल रहे कर्तव्य बोध का कि 10 लक्षण आ रहा है परीक्षण आ रहा है बताओ क्या करोगे तुम, तो कर्तव्य बोध खोजो, उनके समाधान लिखो, पहले कोई तकलीफ हुई हो तो बताओ, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो पहले देखेगा नहीं आपको, पहले कहेगा आपकी हिस्ट्री रिपोर्ट लाओ, पहले की कोई मेडिकल रिपोर्ट हो, कोई हो 2 साल 4 साल की कोई बीमारी सुख दुख पहले वो बताओ, ऐसे तुम अपनी रिपोर्ट खुद पढ़ो, पिछले 10 लक्षणों में 10 सालों में 20 साल में 5 साल में पिछले में कोई तकलीफ हुई कि नहीं, नहीं पहले तो हम हरी नहीं खाते बहुत बढ़िया चलत तो, लेकिन इस बार तो हम कमज़ोर हो गए, काहे कमज़ोर हो गए, रोज हरी खा रहे तो हरी की आदत पड़ गई, हम आपको ये बताना चाह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरी बात तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ये तो आपको ही अपनी हिस्ट्री रिपोर्ट निकालो, यदि बीमार भी होते थे तो क्यों होते थे, मैं बीमारी के कारण कुछ बताने की कोशिश कर सकता हूँ, पूरे तो नहीं बता पाऊँगा, 5 मिनट भी नहीं बचे हमारे पास, नहीं सारा इसलिए कर रहे कि अपनी हिस्ट्री रिपोर्ट खुद निकालो, हरी लेने से लाभ क्या हो जाता है जी बताओ, और भैंसा भोजन करने में नुकसान क्या होता है जी बताओ, यदि आपको 10 दिन तक एकासना करना प्योर एकासन प्योर प्योर और कोई भी हो कोई भी चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, दो कंट्रोडिक्शन, कितना ही बीमार हो कमजोर हो और फिर भी उसे हरी नहीं खाना हो, तो नेचुरोपैथी एक ऐसी व्यवस्था है, यदि हम यहाँ की भाषा में कहें तो चरणानियों की इतनी अच्छी व्यवस्था है, आप बिना हरी के 10 दिन व्यतीत कर सकते हैं, ये मनोबल बढ़ाओ पहले नंबर, नहीं हम तो बीमार ही हो जाएंगे काक हो जाएंगे, हरी को पानी पी रहे मूंग की दाल को पानी पी लियो, केवल 3 चम्मच मूंग की दाल लेना, केवल 3 चम्मच मैंने वो कलछी नहीं जिसको कहते हैं लोक में टी स्पून मैंने चाय की पत्ती डालने वाला चम्मच होती है ना घर में, उस बराबर 3 चम्मच ले लो, सबसे कमजोर आदमी को बता रहा हूँ, सबसे कमजोर आदमी कुछ नहीं पचा पा रहा है, उसे 1 लीटर पानी में उबाल लो, वो उबल के 3 पाव रह जाए उसमें छोंक लगा लियो, यदि ताकत है तो घी का लगा लियो और नहीं ताकत है तो बिना ही उसका पी लो, मसाले उसमें डाल सकते हो, कच्चे मसाले डाल लो या उबलते में डाल लो कोई दिक्कत नहीं, उबलते में डालोगे तो सारे मसालों का लाभ मिल जाएगा, अब आप निश्चिंत हो गए निर्द्वंद हो गए आप स्वस्थ हो जाओगे, लें नहीं लें फिर हमने ले लो फिर ये खरीद ले लो, अब अब बीमार ही हो गए खा के भी बीमार हुए क्या होंगे, निश्चिंत तो निर्द्वंद तो थे ही नहीं, एक तरफ अपराध बोध खाने नहीं चाहिए हरी हरियाई खाने नहीं चाहिए वो खा रहा है अपराध बोध और फिर बीमार हो जाएंगे डर, तो संक्रमण ऐसा होता है बीमार हो जाओ, तो हमने देखो मिनिमम बता दिया इतने में भी काम चल सकता है, अब मान चलो पहले दिन तुम्हें लग रहा है या कमजोरी है और बीमार कुछ नहीं हुई तकलीफ कुछ नहीं हुई पैसे कुछ नहीं बिगड़ तो अगले दिन आप 4 चम्मच कर लो 6 चम्मच कर लो जैसे आप स्वस्थता हो अब उसका पानी पी लेगा कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, बाकी खूब पानी पी लो गर्मा गर्म कोई दिक्कत नहीं 24 घंटे का आहार हो गया, सबसे कमजोर आदमी के लिए बता दिया मैंने, इसके बाद अपना अनुमान खुद लगाओ बीमार होने का कारण क्या है बता दें, मेथी दाने की सब्जी बीमार कर देती लोगों को, मेथी दाने की सब्जी कि हाँ
उसे उबाला और उसका जो आया 3 बार निचोड़ निचोड़ के कड़वापन के नाम पे फेंक दिया। तो असली जो ताकत थी निरोगता की वो तो तुमने फेंक दी। अब अच्छा सूखा सूखा मुझे इतना बुरा लगता है, मैंने देखा है बुंदेलखंड में कई जगह बिल्कुल फेंक दिया और सूखी सब्जी परस दी, वो गुटकी भी नहीं जा रही, चवाई भी नहीं जा रही, खाई भी नहीं जा रही, वहाँ कुछ बचा ही नहीं, और ऊपर से मसाले छिड़क दे तो बस क्या काम हुआ। बिल्कुल मेथी दाने का पानी कोई भी मरीज को परेशान नहीं करेगा, मेथी दाना भी उसी मात्रा में, बहुत रोगी हो तो 1 चम्मच 1 टीस्पून की मेथी ले लो और 1/2 लीटर पानी ले लो, उबाल लो, उसका पानी में घी डाल लो ताकत के अनुसार और पी लो। जैसे मेरी ताकत है मैं 50 से 100 ग्राम घी पी सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आज की तारीख। हम 1 लीटर पानी बनाएंगे दाल का, 50 ग्राम 60 ग्राम 70 ग्राम घी डाल देंगे, पी लेंगे, हमारा 24 घंटा का भोजन हो जाएगा। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ तरीके हैं, आपको हरी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमार करता गट्टी साहब सूखी मूंग, सूखा कठोत जिसको कहते हैं कठोत, ये बीमार करती हैं। अब टेस्टी तो लगती है, और कच्ची तो खाना नहीं है, तो क्या बनाती हैं, क्या क्या होता तुम्हारे जी? नहीं नहीं सूखी जी चना सोयाबीन रवासी राजमा 10 दिनों में तो ये सूखे खाने ही नहीं चाहिए, कठोर खाना ही नहीं चाहिए। जो कह रहा हूँ यदि बीमार हो एसिड बनता हो कुछ होता हो चक्कर आते हो तो छूना ही नहीं चाहिए। ये भोजन तो पहलवानों का है, जो होते हैं तो मजदूर हैं उन्हें खिला दो कोई दिक्कत नहीं। तो मैं तो 10 लक्षण में अच्छे से 10 लक्षण करना हो पर्यूषण करना है तो बिल्कुल मत खाओ। तो फिर क्या बनाए, कह तो दिया था ना मूंग की दाल, ए बताओ आपने पतली कर दी मेथी दाने की सब्जी बनाओ, गुड़ डालो कोई दिक्कत नहीं, गुड़ डालो घी डालो कौन मना कर रहे हैं। एक आदमी के हिसाब से कह रहे, अब इतना बड़ा परिवार है तो उस हिसाब से बनेगी वो, आपकी दाल खराब नहीं बनेगी और मेथी दाना भी खराब नहीं बनेगा। दलिया बनाओ पतला बनाओ और गुड़ डाल लो और घी डाल के खा लो, बिल्कुल पतला सूखा सट्ट नहीं, सूखे में चबाते तो बंदा नहीं, वो गुड़क जाओगे गुड़ के साथ शक्कर के साथ। 10 दिन बीमार नहीं होना तो खीर मत खाओ, खीर हैरान करने वाली चीज़ है। नारियल सूखा मत चबाओ, चबा लो तो अच्छी बात है, खूब अच्छे से चबाओ, सूझ उसकी चटनी बना लो बढ़िया। दूध नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, एक नारियल का दूध बना लो, 2-3 लीटर दूध बन जाएगा एक नारियल में, 2 लीटर और उसमें खीर बना लो, पूरे घर को खिला दो, तुम खा लो कोई दिक्कत। अब जहाँ नहीं एक नारियल की पूरी खीर खुद ही खा गए, अब बीमार तो इसलिए हैं, वो जरा सी दिखती है वो, एक तो एक नारियल करो छान लो तो वो तो गाढ़ो गाढ़ो दूध जरा से दिखेगा और फिर खीर बना ली उसकी। तो बीमार होने के कारण तो ये है, समझ में आ गया हमने क्या क्या बता दिया शॉर्ट में। तो एक आस ना करो तो ऐसे कर लो, और उपवास करो तो एक बात का ध्यान रखो, यदि आपको कब्जियत है तो उपवास आपको एसिड बनाएगा, गैसेस ट्रेवल करेगा। यदि आपको उपवास करने हैं 10 दिन कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन पहले से अनाज बंद कर दो, मैंने 12 दिन का उपवास करो, 2 दिन पहले से अनाज बंद कर दो, 2 या 3 दिन पहले से अमलतास की फली का काढ़ा सुबह शाम ले लो, कितनी ग्राम लेती है 50 ग्राम 5 इंच 5 अंगुल 4 अंगुल 5 अंगुल का टुकड़ा लो एक आदमी के हिसाब से, उसे गला दो उबाल लो उसको पी लो, 2 दिन के अंदर आपका पेट सब एसिड निकाल देगा। अब आप 10 दिन का उपवास कर लो कोई दिक्कत नहीं, पानी लेके उपवास करना है तो पानी पे कर लो कोई समस्या नहीं आएगी। परसों अखबार में एक समाचार आया, कल आया शायद परसों आया, कल ही आया है, एक साध्वी हैं स्थानकवासी, वो साध्वी 38 साल से केवल 2 कप चाय पी रही हैं, बस चाय पी रही हैं, अपने को थोड़ा अच्छा नहीं लगता कहने में क्यों, अपन तो उसे नशाकारक अवक्ष मानते हैं, लेकिन ठीक है हमें तो ये बताना है कि 2 कप चाय पर वो 38 साल से हैं। जब ये 2 कप चाय पर 38 साल रह सका, एक आदमी 75 साल तक केवल पानी पर रह सकता है 75 साल, ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जो एक एक साल तक केवल फलों के पानी पर रह रहे हैं। इसका मतलब शरीर में ताकत तो बहुत है,
नहीं तुम्हें मजा बहुत आता है। रचना इंद्र के चक्कर में बीमार हैं, समझ गए होगे सारे इशारे हमारे। खूब एक आसना करो और स्वस्थ रहो, शरीर से भी स्वस्थ और चित्त भी बढ़िया लगेगा आपका। 411 दिन का उपवास पानी के ऊपर किया है बॉम्बे में हीराजी माणिक जी भाई, स्वतंबर हैं हीराजी माणिक भाई, 411 दिन पानी। वो पहले 2-3 बार कर चुके ऐसे 7 साल भर के उपवास, कई बार सिले में बिल्कुल, और चारों टाइम के प्रतिक्रमण करना, पाठ करना, आलोयन करना, सब काम करते हैं। ऐसा नहीं नहीं करते, एक्टिव हैं टोटली। उन्हें अमेरिका ले गए लोग ये अंतरिक्ष वाले, वो क्या कहलाता है इसरो, नासा, नासा वाले उनको चेक कर तुम रह कैसे लेते। उन्हें जी कला सीखनी है तुमसे कि हम अंतरिक्ष में जाते तो 6 महीना रहते हैं, तो कहा करें वो रोटी कैसे बनाए, चूल्हा तो ले जाते। तब इसलिए उन्होंने उनके ऊपर रिसर्च की। हमारा मतलब है कि शक्ति सब में बहुत है, बिल्कुल नहीं घबराना और खींचतान भी मत करना, नहीं तो अधूरी पूंजी हमारी ले लो। अधूरी नहीं, खुद अपना हिस्ट्री निकाल लो और फिर कर लो से। हमारे हिसाब से तो सब स्वस्थ हो सकते हैं, सब मस्त रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कोई सब्जियां नहीं हैं जो तुम्हें स्वस्थ कर दें। यदि बरसात के हिसाब से देखा जाए तो सब्जियों का निषेध लिखा हुआ है, भाजियां तो पत्तियां तो बिल्कुल छूने लायक ही नहीं बताई जाती नेचुरोपैथी में। तो बस पतले दाल खाएंगे, पतली सब्जियां खाएंगे, पतले गट्टे की सब्जी खा लो, कोई बात नहीं। सूखी सूखी चीज़ें नहीं खाना, सोई स्वस्थ हो जाओगे आराम से। और कम मात्रा में खाओ, दून उधर नहीं करो, ऊन उधर का लिखा है उतना ही खाओ, लिमिटेड खाओ, बीमार नहीं हो। विचार करना है ओम नमः। इसका मतलब अनशन उनोदर की तैयारी 10 दिन नहीं 2 दिन पहले से करना चाहिए लोगों को। एक बार 16 कारण चल रहा है तो ठीक है, प्रोज दो बास की तैयारी करो। ये मुनि दशा की तैयारियां हैं जो 10 लक्षण पर्व है ना, ये मुनि दशा की तैयारियां हैं। कभी अंतराय जाए, उपसर्ग आ जाए, परिचय हो जाए, आहार नहीं हो पाए, तो भी आप स्वस्थ रहें शरीर से भी और उपयोग से भी। इसके लिए हम 10 लक्षण पर्व में आराधना करते हैं, है ना। एक बात ये, दूसरी बात, यदि किसी को भी देश भर में तकलीफ हो तो अभी इन 2-4 दिन में पूछ भी लें तो उनकी डाइट उनको हम बता कर दे देंगे कि यहीं से आप इस तरह से करेंगे तो सही चलेगा। और 10 लक्षण के बीच में भी कोई बीमार हो तो भी हमसे संपर्क करेंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि दूर से उनकी भैया वृत्ति करें, औषध दान करेंगे। ठीक है, ओम नमः। निज निधि